दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके कई सारे सवालों के जवाब जो आपने मुझसे पूछे थे मेरे एक वीडियो पे। लेकिन इससे पहले, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन भी दबा ले, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहे, क्योंकि मैं इस तरह का हेल्थ इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट बनाता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। जो पहला सवाल है वो है मिस्टर इंद्रिश की तरफ से। इनका ये पूछना है कि मेरा बीपी 128/90 रहता है और मुझे कोई लक्षण भी नहीं है, तो क्या मेरा बीपी हाई है या नॉर्मल है? तो देखिए, बीपी जो है कैटेगराइज कर सकते हैं हाई, लो एंड नॉर्मल। जो नॉर्मल बीपी है वो माना जाता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 110 और 120 की रेंज में सिस्टोलिक, यानी कि ऊपर वाला बीपी जिसको सिस्टोलिक कहते हैं, अगर ये 110 और 120 के बीच रहता है तो ये नॉर्मल है। वो जो नीचे वाला बीपी है जिसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं, अगर ये आपका 70 से 80 के बीच है तो ये नॉर्मल बीपी है। अब इन दोनों ही टाइप ऑफ बीपीज में, चाहे वो सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो, अगर आपके रेंजेस ऊपर जाते हैं, तो मान लो अगर आपका ऊपर वाला बीपी 120 से 140 के बीच में है और नीचे वाला बीपी अगर आपका मान लो 80 से 90 के बीच में रहता है, तो ये मान के चले कि अब आपको हाइपरटेंशन की शुरुआत होने लगी है, आपको इसको ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर आपका बीपी देखिए ऊपर वाला अगर 150 160 से ऊपर रहने लगे, नीचे वाला 100 से ऊपर रहने लगे, तो कंफर्म्ड आप हाइपरटेंसिव है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, फिर इस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं आपके ओरिजिनल सवाल पे। जो आपने सवाल पूछा कि भाई आपका बीपी 128 और 90 रहता है तो क्या ये हाई है? देखिए, हाई तो इसको नहीं कहेंगे, हो सकता आपको बीपी की शुरुआत हो रही हो, क्योंकि बहुत बार शुरुआती दिनों में बीपी के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं अंटिल एनालिसिस लगातार बढ़ा हुआ ना रहे। तो आप लगातार अपना एक बीपी मॉनिटरिंग करें, अगर आपका बीपी इसी रेंज में ऊपर की तरफ रहता है तो डॉक्टर से सलाह करें। बट साथ में मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना डाइट पर ध्यान देके अपना नमक वगैरह, चिकनाई वगैरह थोड़ा कम कर दें, तो थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा दें, तो आपका बीपी नॉर्मल रहने लगे। जो दूसरा सवाल है ये है मिस सबीहा नाज की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि मुझे रोज सुबह उठकर सर हैवी रहता है और हल्का दर्द होता है, तो क्या मुझे हाई बीपी हो गया है? तो देखिए, अगर आपको रोजाना सुबह उठ के सर भारी रहता है, सर में हल्का फुल्का दर्द होता है या हल्के फुल्के चक्कर आते हैं, तो यस, ये हाई ब्लड प्रेशर के शुरुआती लक्षण है। आपको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप अपना बीपी चार्टिंग करें रोज, एक सुबह के समय के आप ले लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, कम से कम हफ्ता 10 दिन आप अपना बीपी रेगुलर चेक कराएं, फिर देखें कि आपका ये नॉर्मल या हाई या लो रेंज में कहाँ पे आ रहा है। इन लक्षणों के आधार पे मुझे लगता है आपका थोड़ा बहुत ऊपर ही आएगा। अगर ऐसा होगा तो आपको डाइटरी कंट्रोल पहले करने चाहिए, अगर फिर भी बढ़ा रहता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और समय पर उसका इलाज शुरू कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन लक्षण क्या होते हैं अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ने की शुरुआत होती है। जैसे इन्होंने कहा हल्का सिरदर्द होगा, सुबह उठ के सर में भारीपन भी हो सकता है, उसके अलावा आपको चेस्ट में हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, कुछ लोगों में चलने पर सांस फूलने लगती है, सीने में थोड़ी जकड़न महसूस होने लगती है, आंखों के अंदर बीपी अगर लगातार बढ़ा रहता है तो हल्की हल्की लाल जो कैपिलरीज है उनके अंदर लाल धारियाज, ब्लड की लाल धारियाँ दिखने लगती हैं। ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आता है तो अपना बीपी जरूर चेक कराएं और उसका रेगुलर चेकअप करके ध्यान दें कि कहीं आपको हाइपरटेंशन की बीमारी तो नहीं हो रही है। तो अब अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, क्या ज्यादा मीठा खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं ये बताइए। ये कोई मनीष जी हैं, उन्होंने ये सवाल किया है। तो देखिए, ये फैक्ट है, आपने देखा होगा कि जो हाई ब्लड शुगर के मरीज होते हैं, डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये फैक्ट है कि ज्यादा मीठा खाने से भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है इनडायरेक्टली। पहले डायबिटीज होगा, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि अगर हाई ब्लड शुगर आपके शरीर में रहता है, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है, उसकी वजह से आपकी कैपिलरीज पे इफेक्ट पड़ता है और ये हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है। जैसे आपने दूसरा सवाल किया कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के दूसरे कारण क्या हो सकता है, तो वो कारण बहुत सारे होते हैं। इनमें एक कारण होता है जेनेटिक्स, कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, आपके माता जी को, पिताजी को अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर कोई कोई कार्डियक पेशेंट है, तो आपको भी रिस्क हो सकता है कि आपको भी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है डाइटरी हैबिट्स।
कि अगर आपका खाना पीना इस तरह का है कि आप बहुत ज़्यादा चिकना भोजन करते हैं, आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नमक दुश्मन है, ज़्यादा चिकना खाना, फैट ऐसा खाना जो बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो, एनिमल फैट खाना, ये हाई ब्लड प्रेशर होने के मुख्य कारण होते हैं। उसके अलावा अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो आपका मोटापा बढ़ने लगता है, जिससे आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ये भी एक कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन होने का। साथ ही साथ एक मुख्य कारण होता है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर कैपिलरीज में इंजरी हो जाती है, वहां पे फिर क्लॉट्स बनने के खतरे बढ़ जाते हैं, नैरो होने लगती हैं आर्टरीज। जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ दूसरी बीमारियां भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन जाती है, जैसे हमने डायबिटीज की बात की, किसी को मोटापा है, हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी है, या आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, जैसे बहुत सारे किडनी पेशेंट्स हैं उनका हाइपरटेंशन हो जाता है, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ भी होती हैं, उनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो है आपका लाइफ स्टाइल और खाने पीने की आदत है। इनको सुधार लें तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये कोई बजरंग जी हैं, इन्होंने सवाल किया है कि मेरी उम्र 38 ईयर्स है, डॉक्टर ने बोला है मुझे बीपी की शुरुआत है और अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो लगातार दवाइयां खानी होगी। प्लीज हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय करें ये बताइए। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और ये अच्छी बात है कि आपने खुद से जाकर अपने डॉक्टर को चेक करा लिया है। अगर आप अभी शुरुआती दिनों में हैं तो आप दवाई को खाने से रोक सकते हैं सिर्फ कुछ उपाय करके। तो उन उपाय के बारे में मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इन उपायों का पालन करेंगे तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाई ना खानी पड़े और आपका ब्लड प्रेशर सिर्फ ये उपाय करने से ही कंट्रोल हो जाए। सबसे पहला उपाय है कि अपने खाने में आप नमक कम कर दें। अगर आप नमक खाते हैं, सोडियम जो है वो बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, रिटेंशन करता है, किडनीज के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। आप अगर और बेहतर करना चाहते हैं, नमक कम क्वांटिटी में लें, लेकिन अगर सेंधा नमक लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, सिवाय इसके कि जो आपका नॉर्मल घर में आप नमक इस्तेमाल करते हैं। दूसरे, आप सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें। आप अगर नॉन वेज हैं तो नॉन वेज कम कर दें, रेड मीट तो बिल्कुल ना खाएं, फिश वगैरह खा सकते हैं, अंडे का सफेद हिस्सा खा सकते हैं, लेकिन हरी सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें। हरी सब्जियां खाने से, फ्रूट्स ज्यादा खाने से आपको पोटेशियम मिलता है और जब सोडियम पोटेशियम का ठीक बैलेंस रहता है तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, वो कंट्रोल होने लगता है। तो अपनी डाइटरी हैबिट्स को अगर आप सुधारेंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तीसरा, इसी से रिलेटेड है कि भी कम चिकना भोजन खाएं, कम वसा वाला, कम फैट वाला भोजन खाएं, रेड मीट तो बिल्कुल ना खाएं और एनिमल फैट खाने से बिल्कुल बचें। और चौथा, दुकान पे जाना छोड़ दें। आई मीन टू से, जैसे बहुत सारे आप ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत ज्यादा मीठे फल खाते हैं, बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको आप बंद कर दें। क्योंकि बाहर से आप जो भोजन खाते हैं, चाहे आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या बहुत ज्यादा आप कैफीन भी अगर ले रहे हैं, तो ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण बन जाते हैं। इनको आप कम करें, ना खाएं, तो आप सेहतमंद रहेंगे। उसके अलावा आप रेगुलर व्यायाम करें, कम से कम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साइकिलिंग कर सकते हैं या घर में हल्की फुल्की एक्सरसाइज बना के रखें। मोटापा होने से अपने आप को बचाएं, ज्यादा मीठा ना खाएं, ज्यादा नमक ना खाएं, ज्यादा चिकना ना खाएं, इससे आपका जो है ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेस नियंत्रण करें, हालांकि आजकल के कामकाजी दौर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें। आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने लगते हैं। और साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो उसको आप बंद कर दें। धूम्रपान स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। तो ये कुछ कारण थे, अगर आप इनको अवॉइड कर देंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएंगे। जो अगला सवाल है यह है मिस जीनत, इन्होंने सवाल किया है कि मैं रोजाना सुबह एक बीपी की टैबलेट लेती हूं, अभी थोड़ा कम हुआ है। हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, अच्छा सवाल है। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो रेगुलर लेते रहें, दवाई को ऑल ऑफ द सडन नहीं छोड़ना है। बट अगर आप ये कुछ चीजें घरेलू उपाय अगर करेंगे, इन नुस्खों को अगर आप अपना लेंगे, तो हो सकता है आपकी डोज कम हो जाए या दवाई बंद भी हो जाए। तो आप खाने में देखिए, जो पहली चीज है, अपने खाने में आप लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दें।
लहसुन के अंदर एक एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलराइज करने में, कम करने में बहुत मददगार होता है, और दूसरे कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स को भी कम करता है। आप चाहें तो कच्चा लहसुन भी चबा सकते हैं, आप चाहें तो इसका सिरका बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप लहसुन का सिरका बना सकते हैं, उसकी जो गांठ है उसको खाने में फिर आसानी होगी, उसका स्वाद अच्छा हो जाता है और आसानी से आप खा पाते हैं। अदरक का इस्तेमाल भी आप अगर ज्यादा करेंगे तो अदरक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं, एक तो वो एंटी कार्सिनोजेनिक होते हैं यानी कि कैंसर को कम करते हैं, दूसरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में आपकी मदद करते हैं। आप अर्जुन की छाल लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्जुन की आप छाल बार्क जो है वो ले लीजिए, मसाला आप इस्तेमाल करते हैं किचन में आपके होता है, उसका काढ़ा बना के पीएं, थोड़ा सा अर्जुन की छाल ले लें, उसको क्रश कर लें और रात को उसको करीब 1 कप पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको उबालिए अच्छे से और छान के पानी को पी लीजिए। इसका आप लगातार करेंगे, एक नेचुरल सोर्स है, मसाला है, आपको एनर्जी भी देगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करेगा और ब्लड प्रेशर को भी लो डाउन करेगा। अर्जुन की छाल बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में, ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयों में जमाने से इस्तेमाल होती आई है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तीसरे, अगर आप तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करें, आप तुलसी के पत्ते चाय बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय में डाल के यूज कर सकते हैं, या तुलसी के पत्ते अगर आप कच्चे चबा के भी खाएं, रोज 1 से 2 पत्ता अगर आप चबाना शुरू करेंगे तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करने में मदद करेगा और साथ में ये माउथ प्रेशर का काम भी करेगा। जो मेथी के बीज है ये एक तो देखिए शुगर को भी कंट्रोल करते हैं और इनका जो असर है वो वैसोडायलेटर के तौर पर भी देखा गया है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अब मेथी के सीड को आपको क्या करना है, अगेन वही, आपको करीब 1 चम्मच मेथी के बीज रात को पानी में भिगो के रख दीजिए, 1 कप पानी ले लीजिए, सुबह उसको उबालिए अच्छे से, जब ये पानी करीब आधा 1/3 3/4 रह जाए इसको छान लीजिए और रोजाना सुबह इस पानी को आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बीपी के लिए बेहतरीन दवाई होगी, डाइजेशन आपका ठीक रहेगा, ब्लड शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल रहेगा और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपकी जो बाकी दवाइयां हैं शायद उनकी डोज भी कम होने लगे। और उसके अलावा आपको आंवला और ऐसे फल लेने चाहिए जिनके अंदर विटामिन सी की ज्यादा मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी आपकी किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी लोअर डाउन करने में मदद करता है। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं, इनको अपना के आप ब्लड प्रेशर को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।